हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। एंड गाइस, अगर आप बाइनरी और फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो या जानना चाहते हो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स या बहुत कुछ, तो करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो। और अगर आप यार वीडियो को काफ़ी बार देख चुके हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप अभी ज्वाइन हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं हो तो बहुत कुछ करोगे मिस। और अगर लिंक वर्क नहीं करता है समहाउ, तो करना क्या है, टेलीग्राम पे जाओ, वहां सर्च करो टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए गाइस, वीडियो की बात करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बैनमो पे। तो बैनमो में मैं आज ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ आपको 65,000 रुपीज़ की। 65,000 रुपीज़ की हम एक सिंगल ट्रेड लेंगे, क्योंकि आज जो है मार्केट क्लोज है, तो हम OTC पे ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो OTC पे हम ट्रेड लेने वाले हैं 65,000 रुपीज़ की। तो अमाउंट देख पा रहे होंगे आप, मैंने 65,000 सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखी है, लॉगिन मैंने मेरा अकाउंट कर रखा है, किसी का अकाउंट नहीं है, दिस इज़ माय अकाउंट। आप रियल अकाउंट में बैलेंस देख पा रहे होंगे। पहले मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ताकि जो है कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग द सेम, कि आप पेज को रिफ्रेश किया करो। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर लिया है। रियल अकाउंट में आप बैलेंस देख पा रहे हैं अभी भी इतना ही है जितना पहले था। तो आज हम इसी से ट्रेड लेंगे और मज़ा ज़रूर आने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मज़ा आएगा। और यार पसंद आए तो लाइक करके जाना। क्यों, हारना या जीतना डजेंट मैटर, जीते या हारेंगे मज़ा पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक लाइक आपका कर देना, क्योंकि हमेशा से कहता हूँ आपका एक लाइक इक्वल्स टू माई मोटिवेशन। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं वो है बैनमो का इंटरफेस। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है मेरा अकाउंट। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मैंने यहाँ पे बॉलिंजर प्लस ऑसम एक्सीलेटर, ये दो स्ट्रैटेजी जो है अनेबल कर रखी है, यानी यूज़ कर रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो करना क्या है, आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको इन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में एग्जैक्टली पता लग जाएगा कैसे यूज़ करते हैं और आप कैसे इसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आज भी हम इसी स्ट्रैटजी की हेल्प से लेने वाले हैं ट्रेड। सबसे पहले जो है करेंसी पे चेक करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटजी को अभी कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है ये जो ग्राफ है। तो अभी मैं करने वाला हूँ हमारी जो है करेंसी एक्सचेंज, करेंसी चेंज करेंगे। लेट्स सी कि हाँ, देखिए ये करेंसी अभी बहुत अच्छी चल रही है। एंड विदाउट, अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे देखिए 65,000 रुपीज़ की बेट यहाँ पे डाल रखी है, यानी अमाउंट डाल रखी है। टाइमिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का। ऑसम ऑक्सीलेटर की बात करते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास कन्फर्मेशन है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हमें ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं की मैंने, कर देनी चाहिए थी तो काफ़ी अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं। सो लेट्स सी, अब और दूसरे सिग्नल का वेट करते हैं। लेट्स, जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है विल गो फॉर दी ट्रेड, हम जाएंगे ट्रेड के लिए। ओके, सो गाइज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, आपको कोई भी रिगार्डिंग द कन्फ्यूजन होता है वीडियो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मुझ तक पहुँचे, या आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने या फिर वो हाईलाइटेड हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछा करो यार। ठीक है, मैं पढ़ता सारी कमेंट्स हूँ, जो मुझे लगता है रिप्लाई करनी चाहिए मैं रिप्लाई भी करता हूँ, और जिस पे वीडियो आनी चाहिए उस पे मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो आज ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे वीडियो को, जितनी जल्दी से हो सके मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। लेकिन यार एक चीज़ हमेशा से आपको कहता हूँ कि अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग तो आप कर ही लोगे जब सीख जाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बिना सिग्नल के अगर ट्रेड लूँगा, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, लेकिन अगर मैं बिना सिग्नल के अब ट्रेड लूँगा तो वहाँ पे मेरे लॉसेस के चांसेस होंगे। आई नो कि आपको मेरे लॉस से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 65,000 है, बट इतना ज़रूर है कि मज़ा तो आएगा लेकिन लॉस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस ना, मेरा जो विचार है या देखने का नज़रिया उसका ये कि आप जो ट्रेड लेते हो, चाहे एक ही ट्रेड लो पूरा दिन में, लेकिन वो थोड़ा सा सोच समझ के लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है ड्यूरिंग द वीडियो, बहुत ही कम टाइम होता है। और कोशिश करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ कि अच्छी हो ट्रेड और काफ़ी प्रॉफिटेबल सिग्नल मिल जाए, लेकिन ऐसा काफ़ी टाइम तक मिलता भी नहीं है। देखो ये यहाँ पे अभी इसको कट ही कर देते हैं, ऑड कैट पे कुछ अच्छा करेंसी नहीं चल रहा है, अच्छा सिग्नल भी नहीं चल रहा है। तो अभी मैं दूसरी सेलेक्ट करता हूँ,
कोई GBP USD देख लेते हैं, हालांकि परसेंटेज 81 ही मिल रहा है हमें, लेकिन देखते हैं अगर कुछ फ़ायदा हो तो। नहीं, यहाँ भी हमारी स्ट्रैटजी के अनुसार कुछ अच्छा नहीं है, तो अब GBP USD यूरो कैट पे देखते हैं एक बार, एंड लेट्स सी। ओके ओके, वी जस्ट जस्ट मिस्ड द सिग्नल। हमें थोड़ा सा अगर पहले होता तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाता, बट अभी हमने मिस कर दिया ये सिग्नल, तो हम यूरो USD JPY पे एक बार ट्राई करते हैं। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे शायद हमें मिल सकता है कोई सिग्नल, तो हम इस करेंसी पे थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड देन विल गो फॉर दी ट्रेड। हम ट्रेड लेंगे, थोड़ी सी बड़ी अमाउंट है यार, अगर थोड़ा सा और टाइम लगता है तो वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि लेकिन आपको स्ट्रैटजी जो है सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। देखिए अगर मैं इस स्ट्रैटजी की बात करता हूँ तो देखो मुझे डायरेक्टली इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड्स पे है, ठीक है। देखो क्योंकि छोटी से लेके बड़ी कैंडल बन रही है, लेकिन अगर ऊपर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो रेड कलर की कैंडल बन गई है, तो अब मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक मार्केट जो है नीचे रहने के ज़्यादा आसार हैं। लगभग 2 मिनट तक मुझे लगता है मार्केट नीचे रहेगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं 2 मिनट्स की, तो माइट बी वो पॉसिबल है कि प्रॉफिटेबल सिग्नल हमारे लिए आज के दिन का हो सकता है। थोड़ा सा और पेशेंस एंड देन विल थिंक अबाउट तो। और देखिए देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, वो बनी है हल्की सी छोटी कैंडल, यानी पिछली ग्रीन कलर की कैंडल से, माफ़ी चाहूँगा, हल्की सी बड़ी बनी है, यानी पिछली सी ग्रीन कलर की कैंडल से हल्की सी बड़ी। तो इसका मतलब इंडिकेशन साफ़ है कि यहाँ से मार्केट जो है चेंज हो सकता है, चेंज होने का इंडिकेशन आपको मिला है, लेकिन फॉर श्योर नहीं है, फॉर श्योरिटी नहीं है, तो वी विल थोड़ा सा और वेट करेंगे, देन विल गो फॉर द ट्रेड। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड विद द लेंथ ऑफ द वीडियो, बट डेफिनेटली अगर पूरी देखते हो तो सीखने को ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, एंड लेट्स सी, क्योंकि कोशिश मैं यही करूँगा कि प्रॉफिटेबल सिग्नल हो। अगर लॉस में जाता है सिग्नल दैट डजेंट, देखिए यार अगर हम 2 मिनट के लिए ट्रेड लेते तो प्रोबेबली हम विन करते, अभी तक तो हम विन ही कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा अगर 2 मिनट की ट्रेड होती तो प्रोबेबली हम विन करते द लास्ट ट्रेड, लेकिन द सिचुएशन इज अमाउंट इज़ हायर, बड़ी अमाउंट है तो रिस्क जो है ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखी ना, एग्जैक्टली तो अब जो है यहाँ से मैं लूँगा 5 मिनट की ट्रेड, एंड डायरेक्शन हमारी रहेगी डाउनवर्ड। ओके तो हम लेने वाले हैं 5 मिनट की ट्रेड, तो अभी 46 है तो हम लेंगे 51। ओके 51, और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है, अमाउंट हमारा है 65,000 रुपीज़। ओके गॉट इट गाइज, वी हैव 65,000 रुपीज़ ट्रेड वी जस्ट प्लेस्ड, हमने जस्ट अभी प्लेस की है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ग्राफ को। देखिए गाइज यार, जब आप ग्राफ को चेक करने की कोशिश करते हो ना, या देखते हो ग्राफ को, एनालाइज़ करते हो, स्ट्रेटजीज़ को चेक करते हो, तो मेरा क्या मानना होता है ना कि मैं जो क्या करता हूँ, मैं ग्राफ को जूम आउट करता हूँ, जूम इन ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि जूम इन रखोगे ना कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी, और आपको एनालाइज़ करना यानी चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम और इश्यू जो है वो ज़रूर फेस होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप उसको जूम आउट करते हो ना, तो जो है आपको पुराना जो बैकग्राउंड का पीछे का जो हिस्टोरिकल डेटा, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, ट्रेडिंग में अगर आप बोलते हो, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं, तो वो देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जूम आउट किया है, जूम आउट करोगे तो आपको देखो ट्रेंड्स का पता लगेगा, थोड़ा सा ट्रेंड्स का पता लगेगा, अपवर्ड ट्रेंड्स थे जैसे ही मुझे इंडिकेशन मिला ऑसम एक्सीलेटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। एंड ऊपर की भी बात करते हैं तो ऊपर भी मुझे एक रेड कलर की कैंडल दिख गई थी, तो मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि नेक्स्ट 5 मिनट के लिए मार्केट जो है डाउन रहने वाला है। यहाँ पे मैं 1 मिनट की भी ट्रेड प्लेस कर सकता था, सीरियसली बिलीव मी गाइस, 1 मिनट की या 2 मिनट की ट्रेड भी मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता था, वो भी हम डेफिनेटली विन करते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट की जो ट्रेड है वो प्लेस करने का सिंपल सा रीज़न है ये, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी से अगले 5 मिनट का मार्केट आप जज कर सकते हो, अगले 5 मिनट तक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी या मार्केट किस डायरेक्शन में होने वाला है। मतलब प्रोबेबली 90% केसेस में, 80 to 90% केसेस में आप ऐसा अंदाज़ा लगा लोगे कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। लेकिन अगर बात करते हैं वो 10% केसेस, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी जो है उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी ट्रेड जा रही है, एग्जैक्टली जिस भी पॉइंट से हमने ट्रेड प्लेस की थी उसी पॉइंट से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ना यार गाइज, इनको बनाने में और इनको डिज़ाइन करने में, इनके ऊपर टेस्टिंग करने में, रियल टाइम ट्रेडिंग करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, और बहुत
बहुत टाइम बाद ऐसी कोई स्ट्रेटजीज मिलती हैं जो काफ़ी टाइम तक प्रॉफिटेबल सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि यार दिन सबका ख़राब होता है, दो तीन ट्रेड गलत चली भी जाती हैं, कभी कभार तीन चार भी चली जाती हैं, बट इट नॉट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन ही ख़राब है या फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस फील्ड में। तो वही चीज़ है, अगर आप दो तीन ट्रेड हार जाते हो या कंटिन्यूसली चार हार जाते हो, पांच हार जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिनिश हो गए उस टाइम पे। उसका ये मतलब होता है कि आप मैनेज किस तरीके से कर रहे हो अपने पैसे को। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो अपने पैसे को, आप संभाल पा रहे हो, तो यहाँ से आप लॉस करने के चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा चांसेस यहाँ से आपके लॉस होने के हो जाते हैं। रीज़न वही सेम है कि ये लोग आपको प्रॉफिट में, ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रॉफिट में नहीं देखना चाहते, इनका भी प्रॉफिट तभी होता है जब आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यार बात वो है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉस में चले जाते हो, आप खेलना बंद कर दोगे, यूज़ करना बंद कर दोगे एप्लीकेशन को। सॉरी, मैंने खेलना जो वर्ड है वो गलत यूज़ किया है यहाँ पे, मतलब आप इन एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद कर दोगे तो फिर इनका भी अल्टीमेटली नुकसान ही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो बात आ जाती है वो आप लोगों के पेशेंस पे आके रुकती है, आप लोगों के डेडिकेशन पे, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो इस फील्ड में, उस पे आके रुक जाती है। तो वो चीज़ का आपको खास करके ध्यान में रखना होता है। अगर आप वो चीज़ ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली ये जो फील्ड है ये आप लोगों के लिए बनी है। लेकिन अगर नहीं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अब स्ट्रैटेजीज़ जो है, मैं हमेशा से कहता हूँ यार, नो बडी इज़ परफेक्ट, आप खुद अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट अगर आप को कुछ समझ आया, यानी आप इससे कुछ सीख पाए, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। इसलिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर यार एक तो छोटी इन्वेस्टमेंट करो, अपना पैसा सारा मत लगाओ, इतना पैसा रखो अपने पास कि आप मार्टिकल को, स्टेप्स को फॉलो कर पाओ। दिन हर किसी का ख़राब होता है, तीन ट्रेड चार ट्रेड हम हारते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे के लिए आपके पास पैसे ही ना हो ट्रेड लेने के लिए, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अब देखो प्रिडिक्शन हमारा, देखिए बिल्कुल अभी तक तो करेक्ट है, अभी तक हमारा प्रिडिक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। 5 मिनट्स की ट्रेड ली थी और बिल्कुल अभी तक एकदम करेक्ट प्रिडिक्शन है। देखिए यार, इस स्ट्रैटेजी को ना समझने में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ऑसम एक्सीलेटर की और बोलिंजर बैंड की, तो बहुत ही कूल कॉम्बिनेशन के साथ है ये, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सीखने में। ठीक है, लेकिन और आपको मैं हमेशा से कहता हूँ, आप खुद भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना पाओगे आने वाले टाइम में, आप खुद अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना पाओगे, खुद समझ पाओगे कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है क्या। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप खुद कर पाओगे, बट ज़रूरत एक ही चीज़ की है, आपको अपने पैसे को हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ पे हम लास्ट सिग्नल जो है हमारा प्रॉफिट हो गया था और लगभग लगभग 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है आज का मेरा प्रॉमिस 65,000 रुपीज़ की ट्रेड का ही था, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और डेफिनेटली यार एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा यार, वीडियो देख के अगर कुछ सीखने को मिला ना, कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो मस्त लगी, भाई की रिस्क मस्त लगी, तो यार हैशटैग टेक्निकल अवी और अपना आगे का एक्सपीरियंस, मतलब वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखना यार। और कुछ सीखने को मिला तो भाई ज़रूर लिखना कि यार हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, ताकि यार हिम्मत आएगी और आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगा। चलिए गाइस यार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो यार टेलीग्राम पर ज्वाइन अभी हो जाओ। दूसरी चीज़ है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द करेक्ट टाइम। अपॉर्चुनिटी है, वो मौका नहीं देती आपको, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो सब्सक्राइब करके जाओ यार चैनल को। एंड लाइक कर दिया होगा यार, उम्मीद करूँगा वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, तब लाइक यार करते रहा करो वीडियोज़ को, आप प्रीवियस वीडियोज़ चेक करते रहा करो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।